सीएचसी गोला एक्सरे विभाग में मनाया गया धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा जयंती। गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्सरे विभाग में रविवार को शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। उनके चित्र पर अधीक्षक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ठाकुर ने पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर डॉक्टर तनवीर अहमद, जेके सिंह, जेएन सिंह, अश्वनी कुमार, अरुण मिश्रा, एलपी मीणा, केएम उपाध्याय, सत्येंद्र सिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। शिकायत करने पर जिम्मेदार ने रिपोर्ट लगा दिया कि जल निगम बनाए की सड़क। विकासखंड गगहा के ग्राम पंचायत देमुसा बाबूपुरा निवासी संदीप सिंह ने गांव की खराब हुई मुख्य सड़क को बनवाने के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया था कि गांव का मुख्य सड़क जो इंडियन पब्लिक स्कूल से प्राथमिक विद्यालय डेमुसा से होते हुए चंद्रशेखर गुप्ता के घर के रास्ते गांव में प्रवेश करता है, उसे जल निगम द्वारा ही सीसी रोड को तोड़ दिया गया है, उसे मरम्मत कराया जाए। वहीं जांच अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत गगहा के अखिलेश चंद को सचिव विनय कुमार के द्वारा रिपोर्ट लगा दिया गया कि संबंधित सड़क को जल निगम ने सप्लाई के लिए खोद कर पाइप डाला है, इसलिए सीसी रोड जल निगम ही बनाएगी। आपको बताते चले कि यह आरसीसी रोड 10 वर्ष पूर्व बनवाई गई थी। सड़क पहले से भी जर्जर हो चुकी थी, कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है। सड़क की समस्या के बारे में अवगत जनप्रतिनिधि व अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदारों ने सुधि नहीं ली। गोला तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विधि विधान से किया गया विश्वकर्मा पूजा। गोला तहसील चौराहा के पास विभिन्न स्थानों पर छात्र छात्राओं ने धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया। छात्र छात्राओं ने आस्था विश्वास की भक्ति दिखाई। सभी छात्रों ने वैदिक मंत्र उपचार द्वारा पूजन अर्चन किया। भगवान विश्वकर्मा के ऊपर अच्छा सिंदूर, दही, दूध, डुबा चावल के साथ पूजन अर्चन किया। अंत में भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। अंशु कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, विधा आईटीआई कॉलेज सहित दुकानों में भी मनाया गया। प्रबंधक सुनील सर ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा हम सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। वहीं शिक्षक एचडी सर ने कहा, भगवान विश्वकर्मा हमारे जीवन के सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। हमें भक्ति और आस्था में विश्वास रखना चाहिए। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट पर शिवांगी सिंह, ऋषिका त्रिपाठी, शुभम रॉबिन पासवान, सुमित शिवानी त्रिपाठी, शिवम रावत, एकता राय, शिवांगी, किशन पासवान, आलोक दुबे, श्रवण कुमार, शिवशंकर समेत सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कनैचा में हुई भीषण चोरी। थाना बासगांव के अंतर्गत ग्राम कनैचा में रात चोरों ने घनश्याम राय के घर में भीषण चोरी की है। घनश्याम राय वर्तमान में सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। घर पर उनके पुत्र इंद्रजीत राय और उनकी पत्नी बाबू रहती हैं। उनके बेटे ने बताया कि रात में बाहर बरामदे में सोया था और मेरी पत्नी और माताजी बाहर के रूम में सोई थी। चोरों ने घर के पीछे लगे खिड़की के ग्रिल तोड़कर घर में घुसे और लाखों रुपए के जेवर और कपड़े उठा ले गए। मौके पर बासगांव पुलिस पहुंची। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासगांव पर आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासगांव पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन नगर पंचायत बासगांव के ख्याति लब्ध समाजसेवी अमरजीत सिंह एवं उनकी पत्नी सुधा सिंह जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद प्रतिनिधि अविनाश सिंह अन्नू भी उपस्थित रहे। प्रत्येक रविवार को आयुष्मान भव अभियान के साथ समस्त स्वास्थ्य सेवाएं जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, संचारी रोग, टीकाकरण के साथ ओपीडी की सेवाएं आम जनमानस को प्रदान की जाएंगी। आज के दिन कुल 103 मरीज सीएचसी बासगांव पर देखे गए, जबकि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 57 लोग आए। इस अवसर पर सीएचसी बासगांव के अधीक्षक डॉक्टर के एम अग्रवाल, डॉक्टर सी एस जोशी, डॉक्टर धीरज शाही, डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, डॉक्टर अमृता दुबे, डॉक्टर श्वेतांबरा, एनएमए महेंद्र त्रिपाठी, दीनदयाल दुबे, उमेश कुमार, मदन जी, प्रभात सिंह, दीपक सिंह, राकेश सिंह, मनोज सिंह आदि अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। चिलवा में सड़क दुर्घटना में 36 वर्षीय राजनारायण राय हुए घायल। भैसाव गांव निवासी 36 वर्षीय राजनारायण राय पुत्र कृष्ण मुरारी राय अपनी बुलेट से गोरखपुर से घर आ रहे थे और चिलवा इंटर कॉलेज के पास पहुंचे थे कि अचानक सामने आए एक पशु से टकरा गए।
टक्कर जोरदार होने के कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन वह हेलमेट पहने हुए थे इसीलिए सर में चोट नहीं लगा। परिजनों को सूचना मिलने पर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों और समाजसेवी शक्ति सिंह की मदद से गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाए गए, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।